खबर है, सड़क बना दीजिए, 10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। देख लीजिए, यह स्थिति है अगर आजाद भारत की, तो यह तस्वीर बदलनी चाहिए, यह तस्वीर बदलनी चाहिए। न जाने कितनी सरकारी व्यवस्थाएं हैं जिसको देने का दम भरती हैं सरकारें, लेकिन ऐसी तस्वीर अगर आती रहेगी तो विस्तार न्यूज दिखाता रहेगा। बाकी तो चैनल है ही है डिबेट दिखाने के लिए, हम खबरें दिखाते हैं और सिर्फ आपकी खबर दिखाते हैं। चलिए खबर क्या है वो बता देता हूं। साल 1947 में देश आजाद हुआ, भारत बहुत आगे बढ़ गया है, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, देश तेजी से विकास भी कर रहा है। पिछले शनिवार को नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका अहम होगी। मतलब राज्यों में विकास होगा तभी देश विकसित होगा। एक तरफ चमचमाती सड़कें हाईवे बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो परेशान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। आप ये दो तस्वीरें देखिए, दिखा दीजिए जरा, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की तस्वीर और मध्य प्रदेश के बैतूल की तस्वीर। एक जगह जिंदा महिला को इलाज के लिए 10 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ा क्योंकि सड़क नहीं थी। वहीं बैतूल में मौत के बाद एक शख्स को पोस्टमार्टम के लिए 10 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ा। विकास के लिए रोड मैप तैयार हो रहे हैं, संसद से बजट पेश हो रहे हैं, लेकिन ये विकास जिलों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री के सपनों के साथ जिलों में ब्लॉक में गांव में बैठा सिस्टम खिलवाड़ कर रहा है। नहीं बना पा रहे हैं ये सड़क, नहीं बना पा रहे हैं। बैतूल के दानवा खेड़ा गांव की तस्वीर है, नदी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस तो पहुंची, लेकिन शव को ले जाने के लिए गांव में पक्की सड़क नहीं थी। गांव वाले 10 किलोमीटर तक शव को कंधे पर ले जाकर रामपुर पहुंचे और वहां से शव को अस्पताल पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक महिला खाट पर लेटी हुई है, दो लोग उस खाट को पालकी बनाकर एम्बुलेंस तक ले जा रहे हैं। इस खाट पर महिला नहीं, नारायणपुर का सिस्टम लेटा हुआ है जो इस महिला के गांव तक सड़क नहीं पहुंचा पाया है। ऐसा नहीं है कि इस महिला को खाट पर 1-2 किलोमीटर ले जाया जा रहा है, आपको पता है 10 किलोमीटर दूर से इस महिला को एम्बुलेंस तक लाया गया। मतलब 10 किलोमीटर तक सड़क नहीं है, इसीलिए तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इन दोनों स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम है, जो अच्छा करेगा उसको सलाम है, उसके सामने नतमस्तक भी हैं जिन लोगों ने इस महिला की जान बचाने के लिए इनकी मदद की। और इन दोनों के साथ ही नारायणपुर के CMHO डॉक्टर TR कंवर को भी धन्यवाद, जिनके कहने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बीमार महिला को लेने पहुंची और जब महिला के गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई तो 10 किलोमीटर स्वास्थ्य कर्मी खाट पर लिटाकर महिला को एम्बुलेंस तक ले आए और अस्पताल पहुंचाया। आजाद भारत में रहते हैं ये लोग, सरकार तो इनके इलाकों में विकास के लिए पैसे भेजती है, कहां जा रहा है इनके हक का पैसा, जिसकी वजह से इन लोगों तक सड़क नहीं पहुंच पाई। आपका अपना चैनल इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे, बस इसीलिए आप लोगों को हक मिले, सड़क बन जाए, आपके गांव में सुख सुविधा पहुंच जाए, ऐसी तस्वीरों को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे और सिस्टम को जगाते रहेंगे।